A very good morning to all. Class, this is chapter number 6, Geography, Human Resource. And in this human resources, we had studied what is human resource and what are the factors that make a human resource. Then we studied about the distribution of population में हमने पढ़ा था कि जो कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे 90% जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन जो है वो 30% ऑफ लैंड पे रहती है. तो पॉपुलेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन और बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग, ज्योग्राफिकल फैक्टर, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेरी. ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमने पढ़ा था, इन विच वी हैड स्टडीड कि 1 किलोमीटर एरिया पे, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे द नंबर ऑफ पीपल कितने लिविंग है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. ठीक है, तो कहीं की डेंसिटी बहुत हाई होती है, कहीं बहुत कम होती है. फॉर द एग्जांपल, इन इंडिया इट इज़ उत्तर प्रदेश की आप डेंसिटी अगर आप देखें तो ये इट इज़ वेरी हाई. वहीं आप अगर माउंटेन्स एरिया में, जैसे कि आप उत्तराखंड या फिर आप जम्मू कश्मीर, कुछ जहाँ पे जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम होती हैं, वहाँ की डेंसिटी कंपेयर टू प्लेन एरियाज दैट आर वेरी लो. ठीक है, तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करते हैं इसको भी हमने पढ़ा था. पॉपुलेशन चेंज को हमने समझा था कि चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, दिस इज पॉपुलेशन चेंज. और एंड द फैक्टर दैट इज़ द बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, दीज आर द फैक्टर्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज. ओके, वी ऑल्सो डिस्कस्ड एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स. माइग्रेशन, देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ माइग्रेशन, एमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स. तो माइग्रेशन का रोल क्या होता है पॉपुलेशन के चेंज में. ओके, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि पॉपुलेशन चेंज तो हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पर कहीं पे पैटर्न जो है चेंज का बहुत हाई है और कहीं पे बहुत लो है. जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है. लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से हमने क्या किया, अफ्रीकन कंट्रीज़ ने क्या किया, डेथ रेट को कंट्रोल कर लिया. अब उनका बर्थ रेट तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन डेथ रेट जो है वो कंट्रोल्ड है, इसलिए यहाँ पे जो नेचुरल इंक्रीज होगी वो वेरी हाई होगी, इसलिए इसको डार्क ब्लू कलर में शो किया गया है. नाउ वी विल डिस्कस टुडे पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब हुआ कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है, मींस पॉपुलेशन कंपोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पीपल, द एज, द सेक्स, मींस कि एज पढ़ेंगे कि जो पॉपुलेशन है उसकी एज, उसकी सेक्स, उसकी लिटरेसी, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल, दिस ऑल फैक्टर्स वी रीड इन द पॉपुलेशन कंपोजिशन. अब इसको पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि जो कंट्री है, हाउ क्राउडेड अ कंट्री, अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा क्राउडेड है तो वहाँ का और जो दूसरी कंट्री, ठीक है, क्राउडेड बांग्लादेश एंड जापान, बोथ आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट कहाँ जापान और कहाँ बांग्लादेश, मीन्स कि बोथ आर क्राउडेड बट जापान इज मोर इकोनॉमिक डेवलप्ड देन बांग्लादेश, देन व्हाई इट हैपेंस. अभी व्हेनेवर वी विल रीड द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ बोथ द कंट्रीज, बोथ दी कंट्रीज, इट विल बी क्लियर कि दोनों के यहाँ पॉपुलेशन बहुत है लेकिन एज रेशियो, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेशियो, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, ये दोनों कंट्रीज का वेरी कर रहा है.
इसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो लेस डेवलप्ड है, वहीं जापान मोर इकोनॉमिक डेवलप्ड है। अभी हम इसको यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या, ये हमें हेल्प करेगा क्या जानने के लिए कि हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स, व्हाट इज़ द एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर डूइंग। सो दिस ऑल थिंग्स टेल अबाउट द पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, ओके। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन को इंडिकेट करने का तरीका है पॉपुलेशन पिरामिड। इंटरेस्टिंग वे कैसे हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन को, बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। अब हम इस पिरामिड को देखते हैं। दिस इज फिगर 6.6। दिस पिरामिड शोज दैट हियर, दिस पिरामिड शोज दैट कि हियर पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म। द रेड इज हियर, दिस इज द फीमेल एंड दिस इज द मेल। ब्लू वन इज मेल एंड रेड वन इज फीमेल। क्लियर? तो ये हमें पता चला कि मेल और फीमेल का यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है। सेकंड थिंग, दिस पॉपुलेशन पिरामिड शोज दैट दिस इज द बॉटम एरिया शोज द परसेंट एंड दिस एरिया शोज द एज ग्रुप। ठीक है, तो पॉपुलेशन पिरामिड में एक जगह आप परसेंटेज देखते हैं नीचे बॉटम में, और ऊपर देखेंगे कि एज ग्रुप वाले लोग कितने कितने हैं। तो इस पॉपुलेशन पिरामिड को द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप। अब यहाँ जो बहुत सारे एज ग्रुप है, फॉर द एग्जांपल आप 0 to 4 से लेकर के 85+ तक एज ग्रुप है, और इसको पॉपुलेशन पिरामिड पर दिखाया गया है। तो इससे हमें एज का पता चलेगा पॉपुलेशन पिरामिड के स्टडी करके। देन अगेन द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, और हमें क्या पता चलेगा, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड। अब जो पॉपुलेशन पिरामिड है उसका शेप क्या कह रहा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ केन्या, ये दिस इज द केन्या पॉपुलेशन पिरामिड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बर्थ रेट है, मतलब 0 to 4, आप ये जो लाइन है, दिस लाइन, व्हाट दिस लाइन शोज कि 15 ईयर्स से नीचे के जो बच्चे हैं, बिलो 15 ईयर्स, जो कि डिपेंडेंट ईयर्स होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो डिपेंडेंट होते हैं बड़े बच्चों, बड़े लोगों के उस पर, तो जो डिपेंडिंग रेशियो है, डिपेंडिंग परसेंटेज है, वो कितनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो केन्या का जो पॉपुलेशन पिरामिड है, आप यहाँ पे देखिए कि 13 और 1, 0 to 5, अगर हम 4 ले ले तो ये 11 हो गया, यहाँ पे आप लेते हो तो ये आपका 9 हो जाता है, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज़ 9, अगेन दिस इज 7, तो 11 + 9 + 7 करेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 27। यानी कि 27% ऑफ पॉपुलेशन केन्या की जो है वो क्या है, डिपेंडेंट परसेंटेज है। 15 ईयर से कम वाले बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 27% है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि जो नीचे का जो ब्रॉड की यहाँ पे जो बर्थ रेट है बच्चों की बहुत ज़्यादा है, और डिपेंडेंट रेशियो इनका बहुत ज़्यादा है। तो अभी फिर आगे क्या है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ द बर्थ। अब ये जो है ये दिखा रहा है कि इस जगह पे मेल जो बच्चे हैं उनका बर्थ लेवल कितना हाई है। वही आप टॉप में आके देखो तो ये बॉटम से हमें पता चलता है कि हाई बर्थ रेट है, और आप टॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या पड़ रहा है कि वो एकदम कम होता जा रहा है। यानी कि 65 ईयर से जो ऊपर के लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि बर्थ रेट जो है वो हाई है, और वही बर्थ रेट हाई है, और जो 65+ ईयर्स वाले जो लोग हैं वो क्या, ये क्या एज ग्रुप दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ डेथ जो है वो क्या है। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एजड पीपल एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि जो डेथ रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो भी हाई है। ठीक है, वो भी हाई है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मैनी डिपेंडेंट,
ये बताता है कि कितने जो लोग हैं पिरामिड में वो डिपेंडेंट हैं, जैसे यंग डिपेंडेंट्स हो गए और एक जो बुज़ुर्ग है एल्डरली डिपेंडेंट, तो 65 ईयर्स वाले जो हैं वो और जो ये बच्चे हैं वो कितने डिपेंडेंट है ये बता रहा है। तो अभी हमारा 27 के आसपास परसेंटेज आई थी और वहाँ हम देख रहे हैं तो वो जो परसेंटेज है वो कितनी है, टॉप वाले पे परसेंटेज कितनी है, ये जो यहाँ पर परसेंटेज है ये हम बता सकते हैं कि टू जो भी है 85 प्लस वाले जो जो 65 से ज़्यादा वाले लोग हैं, 65 से 75 के बीच में जो परसेंटेज है ये एल्डरली डिपेंडेंट पॉपुलेशन यहाँ पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई एंड इट इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड नैरो एट द टॉप। तो जिस कंट्री का टॉप जो है वो बहुत ज़्यादा नैरो होगा, है ना, और जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा। तो बेस ब्रॉड का मतलब हो गया कि जो बर्थ रेशियो है वो बहुत हाई है, बर्थ परसेंटेज जो है वो बहुत हाई है एंड लार्ज परसेंटेज ऑफ अब जैसे जैसे ये बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनका जो लार्ज परसेंटेज है वो क्या हो रहा है, वो बच्चे उनकी डेथ होती जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो बीच वाले एज ग्रुप के लोग हैं इनकी यहाँ पे क्या है, इनकी पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब कि बच्चों की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो टॉप पे पहुँच रहे हैं वो उनका रेट जो है बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट्स, कुछ एडल्ट्स बनते हैं एंड देयर आर वेरी फ्यू जो ओल्ड पीपल बनते हैं। तो कुछ ही बर्थ रेट हाई है, कुछ ही लोग जो है वो एडल्ट बन रहे हैं और उनमें से बहुत कम जो है वो डेथ वो ओल्ड पीपल हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन केन्या जैसे देशों में बनती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर वहाँ की डेथ रेट वहाँ पे अगर उन्होंने डेथ को कंट्रोल कर लिया होता तो ये जो नंबर है टॉप का ये भी ब्रॉड होता, इस तरह से बना होता, ठीक है, ना कि एक सीधे लाइन में होता, ठीक है, ये ब्रॉड बना होता। तो ये केन्या की सिचुएशन है। अगेन फिगर 6.8 जो है ये फिगर, ये दिस इज़ द फिगर ऑफ इंडिया। अब इंडिया की क्या है, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट, ठीक है। अब आप यहाँ से ये जो लाइन देख रहे हैं दिस इज़ 15 ईयर्स से नीचे के बच्चे जो हैं उनका है, और ऊपर जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पिंक कलर है और जो रेड कलर है, रेड कलर यानी ऑरेंज कलर जो है वो फीमेल को शो कर रहा है। तो आप देखिए कि मेल से मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से, फीमेल की भी पॉपुलेशन मेल की कंपैरिजन में अच्छी है, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है, अगेन सेकंड थिंग, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग। अब हमारा जो बेस है वो बहुत हाई नहीं है तो हम कह सकते हैं कि बर्थ रेट हमारा जो है वो, जैसे कि अगर आप यहाँ से परसेंट आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, बर्थ रेट 0 to 4 का 7 है और ये 5 to 9 का जो है दैट इज़ ऑल्सो 7, ठीक है। तो इस तरह से बर्थ रेट तो है बट इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट आर डिक्रीजिंग, डेथ रेट हमारी कम हो रही है, ठीक है। द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट, ये भी यहाँ पे ब्रॉड है क्योंकि इन्फेंट जो है यहाँ पे बर्थ रेट सर्वाइव कर रही है, पर ये ब्रॉड धीरे धीरे जाके कम हो रही है, एकदम तेजी से जैसे केन्या में हुई थी वैसी नहीं हो रही है। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ किसकी है, यंग पीपल की है। आप यहाँ पे देखो यंग पीपल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इन्फेंट भी हैं, वो जो बच्चे हैं वो तो है ही पर उतने ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे हमारे इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। देन एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग, और यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लेबर फोर्स है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स वी हैव,
ओके, इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट। अब ये जो है आप जापान का देखो तो यहाँ पर क्या है कि इनका तो जो बॉटम है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लो बर्थ रेट है और पिरामिड जो है और यहाँ पे लो बर्थ रेट है और डेथ रेट भी बहुत कम है, तो इसलिए ये बहुत ही क्या है, बहुत ही उनका जो बेस है वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एल्डर एज में पहुँच रहे हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये बता रहा है कि एज ग्रुप के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे डिपेंडेंट परसेंटेज कितनी है, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है एंड जो डिपेंडेंट एल्डर्स हैं वो कितने हैं। स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल इनोवेट। जिस कंट्रीज़ का यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यंग पॉपुलेशन का मतलब वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो 15 ईयर्स से 65 ईयर्स के बीच में जो पॉपुलेशन होती है जो वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है, वो पॉपुलेशन तो वहाँ का उस कंट्री का फ्यूचर जो होता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, जैसे कि हम यहाँ इंडिया के केस में देख रहे हैं। इंडिया के केस में देख रहे हैं तो अगर यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर उनको अच्छे से डेवलप किया जाए तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज में आके आगे आ सकता है। तो दे मोस्ट बी एजुकेटेड, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, एजुकेशन के द्वारा एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो कि अभी इंडिया में एट प्रेजेंट ये नहीं हो रही है, वो स्किल्ड वो अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में नहीं मिल रही है। तभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से आप देखो यूट्यूब पे एक हैशटैग करके सेशन चल रहा है, हैशटैग करके चल रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि इतनी वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ना ही एसएससी में, रेलवे में, और आने के बाद भी जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड चल रहा है कि करते करते बहुत टाइम हो जाता है उसको इनको वैकेंसी देने में। सो वी कैन से दैट कि इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन तो है बट ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, नहीं नहीं कहेंगे पर हाँ बहुत कम है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।